हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने साइंस सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। ओके, और इसमें मैं भी 3 लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर लिया है। अब हम लोग का ये नेक्स्ट लेक्चर होगा, फोर्थ, जिसमें हम लोग विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आइए हम लोग इस चीज़ को स्टडी करते हैं। और दूसरी चीज़ की, जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो आइए हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, पहला, वो हमारा है विटामिन्स। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आप बच्चों देख रहे हो कि विटामिन्स विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडीज, ओके, फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ डिजीज। मतलब जो ये विटामिन होता है, ये हमें डिफरेंट टाइप्स के डिजीज से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है। ओके, दे ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज गेम्स अदर एंड टीथ इन गुड शेप। और इसकी वजह से जो हमारी आईज होती है, आई की जो आई साइट होता है, ओके, ये भी इम्प्रूव रहता है। हमारी बोन्स, हड्डियाँ जो मजबूत होंगी, एंड टीथ इन गुड शेप, और हमारी जो टीथ होगी, इसकी शेप क्या होगी, अच्छी होगी। अगर ये डिफरेंट टाइप की हमारी टीथ की शेप होती है, अजीबोगरीब तरीके से, तो देखने में क्या होता है, थोड़ा सा डर लगता है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड देयर यूजेस। तो हमारे पास बहुत तरह के विटामिन्स हैं, ओके, और उनका यूज भी क्या है, बहुत सारी हैं। तो आइए हम उनको वन बाई वन करके पूरी तरह से डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो टेबल मैं दिखा रहा हूँ, इसमें दिया हुआ है विटामिन टाइप्स, सोर्सेस, फंक्शंस एंड डिफिशियंसी डिजीज। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि विटामिन ए है, इसके विटामिन ए किस किस इसके क्या क्या सोर्सेज हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद इसकी फंक्शन क्या है, विटामिन ए की फंक्शन क्या है, ये करता क्या है। ओके, और इसके बाद यदि मान लीजिए कि हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए, लैकिंग हो जाए, तो उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा, हमें कौन सी डिजीज हो जाएगी, इन सारी बातों को बहुत डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लेक्चर को स्किप करके ना देखिए, पूरी तरह से डिटेल एक बार वॉच करिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए, तो ये आपका है विटामिन ए। ओके, ये आपका है विटामिन ए। अब विटामिन ए आपको किस किस सोर्स से मिलेगा, तो जैसे मान लीजिए कि लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, जितनी हरी सब्जियां होंगी, ओके, ऑरेंजेज, कैरेट्स, पम्पकिन, सोया, स्वीट पोटैटो, इन सारे सोर्स को यदि हम लोग ईट करते हैं, तो उसमें से कौन से विटामिन मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा। ओके, अब विटामिन ए जो होता है, ये परफॉर्म क्या करता है, इसकी फंक्शन क्या है, तो फॉर्म्स एंड हेल्प मेंटेन बोन्स, ये हमारी बोन्स को क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रखेगा। स्किन, हमारी जो स्किन होगी अच्छी होगी। ओके, टिश्यूज एंड टीथ, इन सब क्यों ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है विटामिन ए। इसके बाद मान लीजिए कि बाय चांस हमारे बॉडी में विटामिन ए की क्या होगी, लैकिंग हो गई, कमी हो जाएगी, तो विटामिन ए की कमी से जो हमारे शरीर में बीमारी होने वाला है, एक सेकेंड, अब यदि विटामिन ए की कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो देखिए, एक होगा कलर ब्लाइंडनेस, ओके, जिसको क्या बोल दिया जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, पुअर विजिबिलिटी एट नाइट। ये बीमारी ऐसी है कि जैसे मान लीजिए कि रात के समय क्या होगा, आपको दिखाई नहीं देता है। ओके, और एक जो कलर ब्लाइंडनेस ये होता है कि उसमें आपको पार्टिकुलर कलर क्या होगा, दिखाई ही नहीं देगा। ओके, तो ये बीमारी हमारे आँखों में हो जाती है, किसकी कमी की वजह से, विटामिन ए की कमी से। तो अब आप ये बात याद रखेंगे कि विटामिन ए करता क्या है, तो ये हमारी बोन्स, स्किन, टिशू एंड टीथ क्यों क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और यदि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी, तो उससे हमें क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ओके, ये बीमारी होगी किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो विटामिन है, वो हमारा है विटामिन बी। और विटामिन बी जो होता है, ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, इसीलिए विटामिन बी को बोला गया है बी कॉम्प्लेक्स। ओके, अभी मैं ये चीज़ बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये चीज़ इस टेबल को देख लीजिए। अब देखिए, विटामिन बी वन की जो केमिकल नेम है, ये वो क्या होता है, थायमिन होता है। ओके, अब देखिए विटामिन बी वन किस में मिलेगा, तो ड्राइड हर्ब्स, सनफ्लावर सीड्स, होल ग्रेन सीरियल्स,
सीसम सीड्स, ब्राउन राइस, इन सब में क्या होता है, विटामिन बी वन मिलता है। अब देखो यहाँ पे जो दिया गया है बच्चों, ब्राउन राइस, ओके, ये जो ब्राउन राइस होता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे ही, अब आजकल क्या होता है कि हम उस ब्राउन राइस को ना ईट करके हम लोग क्या करते हैं, वाइट राइस यूज़ करते हैं। मतलब उसकी जब पॉलिशिंग हो जाती है, तो पॉलिशिंग होने के बाद उसमें से विटामिन बी वन जो होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। 80% जो विटामिन बी वन, जो विटामिन बी 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 है, ये क्या हो जाता है, उसमें से रिमूव हो जाता है। ओके, तो अब आइए हम लोग देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस क्या है, कि विटामिन बी वन परफॉर्म क्या करता है। तो इनेबल सेल्स टू टर्न कार्बोहाइड्रेट्स इनटू एनर्जी। अब जैसे ही ये जितने सारे ये सोर्सेज हैं, आप इसे ईट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स। और ये भी बात आप समझ गए हो कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारी बॉडी को क्या देगा, एनर्जी देगा। ओके, अब देखिए कि विटामिन बी वन की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो बेरी बेरी, एक बीमारी होती है बेरी बेरी, जिसका नाम क्या है, बेरी बेरी। ओके, एक बीमारी है एपिटाइट, ओके, ये भी होता है। तो अब इन दोनों में क्या होता है, लॉस ऑफ वेट, दोनों में लॉस ऑफ वेट हो जाता है, क्योंकि आप ये सारे सोर्सेज आप ईट कर नहीं रहे हो, तो आपकी जो वेट होगा वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, जिसकी वजह से आपको ये दो बीमारी हो जाएगी, बेरी बेरी एंड एपेटाइट। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है विटामिन बी टू, जिसका केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। ओके, अब आइए विटामिन बी टू किस में मिलता है, तो जितने आपके आलमंड्स होते हैं, ओके, एस्पार्गस होता है, बनानाज, ग्रीन बीन्स, ओके, वीट ब्रान, ड्राइड स्पीसेज, इन जितने ये सोर्सेज आप देख रहे हो, इन सब में आपको विटामिन बी टू मिलेगा। और विटामिन बी टू करता क्या है, तो मेंटेन्स बॉडी ग्रोथ एंड आरबीसी, ये हमारे बॉडी की ग्रोथ को डेवलप करता है, और साथ ही साथ हमारे आरबीसी को भी क्या करता है, ग्रोथ करता है। और आरबीसी का फुल नेम क्या है, रेड ब्लड सेल्स। ओके, इसी आरबीसी, जैसे मान लीजिए कि आरबीसी का हमारे शरीर में मेंटेन रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, यदि आरबीसी कम हो गया तो इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं बच्चों। ओके, तो इसलिए इन सारे प्रोडक्ट को भी हमें क्या करना चाहिए, अपने डेली डाइट में हमें यूज करना चाहिए कहीं ना कहीं। ओके, अब इसके बाद देख लीजिए कि विटामिन बी टू की वजह से कौन कौन सी बीमारी होंगी। अब देखिए, स्किन डिसऑर्डर, हम लोग का जो स्किन होगा वो क्या होगा, डिसऑर्डर, मतलब देखते हो कि कुछ लोगों की जो स्किन होती है उन पे झुर्रियाँ पड़ जाती है। ओके, इसके बाद चॉइलेस ब्रेकिंग ऑफ लिप्स, और हम लोग के जो लिप्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, फटने लगते हैं। तो ये सारी वजह होता है विटामिन बी टू, इसका मतलब कि हमारे बॉडी में क्या है, विटामिन बी टू की कमी है, कमी की वजह से ये बीमारी हो रही है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, कि हम इन सारी चीज़ों को क्या करें, ईट करें। ओके, तो इससे हम क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो इन विटामिन्स का हमारे शरीर में होना क्या है, बहुत ज़रूरी है, यदि नहीं होते हैं तो ये सारी बीमारियां हमारे बॉडी में क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, एक सेकेंड। अब देखिए, नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है वो हमारा है विटामिन 12। ओके, अब आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। विटामिन बी 12, इसका जो केमिकल नेम है वो साइनोक्लोबामिन है। ओके, अब ये जो विटामिन बी 12 पाया जाता है, ये किस में पाया जाएगा, तो मटन, फिश, बीफ, लॉबस्टर, क्लैम्स, एग्स, ऑयस्टर, क्रैब। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों, ये जो मटन, फिश, ये जितने नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट हैं, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट, मीट, फिश, एग, इन सब में लगभग सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। ओके, सब में ये सारे विटामिन्स, मतलब इन सब में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। ओके, इसीलिए देखते हो कि जब किसी पेशेंट को कुछ बीमारियां होती है, तो डॉक्टर जो होता है उनको नॉनवेज खाने के लिए कहता है, क्योंकि ये जो होता है इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन पाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो वो डिजीज़ है वो जल्दी क्या होगा, रिकवर होगा। ओके, तो मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप नॉन वेजिटेरियन हो जाओ, बट मैं ये बता रहा हूँ। ओके, अब आइए नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ कि मटन, फिश, बीफ, लॉबस्टर, क्लैम्स, एग्स, ऑयस्टर, क्रैब, इन सब में क्या पाया जाएगा, विटामिन बी 12 पाया जाएगा। अब ये करता क्या है, हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड आरबीसी। देखिए, ये हमारी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आरबीसी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, जिससे हमारी बहुत
सारी समस्याओं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। यदि हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम या RBC में कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें डिफरेंट टाइप्स के डिजीज हो जाएंगे। ओके, तो अब आइए इनसे देखते हैं कि कौन विटामिन B12 की कमी से कौन कौन से बीमारी हो सकते हैं। तो देखो, पेल स्किन, लैक ऑफ RBC, लेस स्टेमिना एंड लेस एपेटाइट, ये जितनी सारी बीमारियाँ हैं ये हमें हो सकती हैं। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप ये बातें समझ गए होंगे। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं विटामिन सी। आप देख लो कि जो ये विटामिन सी है, ये जितने विटामिन सी होगा ये आपके सिट्रस जो जितने फ्रूट होंगे उसमें ये पाया, जितने खट्टे फल होंगे उसमें ही पाया जाता है। ओके, जैसे फ्रेश हर्ब्स, कॉलीफ्लावर, पपाया, ऑरेंजेज, स्ट्रॉबेरीज, गुआवा, इन सब में क्या पाया जाएगा, विटामिन सी, लेमन हो गया। ओके, जितने साइट्रस फल हों, फ्रूट्स होंगे। ओके, इसके बाद ये विटामिन सी करता क्या, प्रमोट हेल्दी गम्स एंड टीथ, ये हमारे गम्स एंड टीथ को क्या करता है, हेल्दी बनाता है। ओके, इसके बाद इसकी यदि कमी होती है हमारी बॉडी में तो कौन सी बीमारी होगी, स्कर्वी, गम डिजीज होता है, जिसमें से होता क्या है कि हमारे ये मसूड़ों से क्या होने लगती है, ब्लड आने लगता है। ओके, तो मैं बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट हमारा है विटामिन डी। अब देखिए विटामिन डी से क्या होगा, विटामिन डी जो होता है ये सनलाइट से हमें मिलता है। ओके, सनलाइट, मशरूम, लीवर फिश एंड एग्स, इन सब से क्या मिलेगा हमें, विटामिन डी मिलेगा। और विटामिन डी हमारी बॉडी में क्या करती है, नेसेसरी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, मतलब हमारे शरीर में हमारी बोन्स स्ट्रांग हो, यदि हमारी बोन्स स्ट्रांग है तो हम भी स्ट्रांग हैं। ओके, एंड टीथ और हमारे दांतों को क्या करता है, ये स्ट्रांग बनाए रखता है। उसके बाद अगर इसकी कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकेट्स एंड स्टोमलेसिया। ओके, ये दो बीमारियां होती हैं। उसके बाद वीकेनिंग एंड सबटेनिंग ऑफ बोन्स, और हम लोग बहुत ज़्यादा क्या होने लगते हैं, हमारी बॉडी में कमजोरी होने लगती है, जिस वजह से क्या होगा कि हम लोग की जो बोन्स होगा वो सॉफ्ट हो जाता है। ओके, जिससे बहुत तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप ये समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट विटामिन है वो है हमारा विटामिन ई। ओके, तो विटामिन ई जो होता है ये सोयाबीन ऑयल, रेड चिली पाउडर, ओके, पाइन नट्स, एप्रिकॉट्स, ग्रीन ऑलिव्स एंड कुक्ड स्पाइनस, उसमें से क्या पाया जाएगा, विटामिन ई पाया जाएगा। और विटामिन ई करता क्या है, हेल्प इन प्रोसेसिंग विटामिन के एंड फॉर्मेशन ऑफ RBC, ये वर्क करेगा। और इसकी वजह से हमारे बॉडी में कौन सी बीमारी होगी, तो मसल्स वीकनेस, हमारी जो मसल्स होगी ये क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। एंड ट्रांसमिशन प्रॉब्लम्स इन नर्व इम्पल्सेज, अब ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है, ट्रांसमिशन होता है, वो क्या हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा, जिससे भी हमारे पूरे बॉडी में क्या होगा, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाए, जिस वजह से हमारा जो मसल्स होगा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जिससे हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ओके, इन सारी बातों को अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें देखिए जो हमारा लास्ट विटामिन है वो हमारा है विटामिन के। अब देखिए विटामिन के किस में मिलेगा, ग्रीन लेफी वेजिटेबल, सोयाबीन ऑयल, इन सब में विटामिन के आपको मिलेगा। और ये करेगा क्या, इसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन, ये ब्लड कोगुलेशन के लिए क्या होता है, विटामिन के का होना बहुत ज़रूरी है। एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड, जब जैसे मान लीजिए कि किसी को चोट आ गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ से वो ब्लड क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। ओके, तो फ्लो होने का मतलब ये कि उसकी बॉडी में विटामिन के थी, इसीलिए वो ब्लड क्या हुआ, फ्लो हो गया। अगर मान लो कि किसी के बॉडी में विटामिन के प्रेजेंट है ही नहीं, अवेलेबल क्वांटिटी, सफिशियंट क्वांटिटी में, ओके, तो वहाँ पे वो ब्लड क्लॉटिंग होने लगेगा, मतलब ब्लड क्या हो जाएगा, जमने लगेगा, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे शरीर में। अगर मान लो कि विटामिन के की कमी हो जाए तो हमारा जो पूरे बॉडी में ब्लड है वो क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, वो जम जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए हमें हमारे शरीर में क्या होना चाहिए, विटामिन के का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारा जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में रहे, नहीं तो यदि वो जम गया तो हमें बहुत समस्या हो जाएगी। ओके, इससे बचने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हम रेगुलर ईट करें, सोयाबीन ऑयल से यूज करें। ओके, इससे क्या होगा कि हमें विटामिन के मिलेगा, और विटामिन के यदि हमारी बॉडी में रहेगा तो हमारा जो ब्लड होगा वो क्लॉटिंग नहीं होगा, जब भी कोई चोट वोट लगे वहाँ से ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो यदि ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब मानो कि आपके बॉडी में क्या है, विटामिन के है। यदि ब्लड मान लो कि कहीं से चोट लगा हो गया और वहाँ से ब्लड निकल ही नहीं रही, इसका मतलब वहाँ पे ब्लड क्या हो गया, क्लॉट हो गया, जम गया है,
जिससे बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कैंसर की भी बीमारी हो सकती है। ओके अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग विटामिन बी के बारे में डिस्कस कर ले। देयर आर ग्रुप्स ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी, और उसको क्या बोला जाता है, बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। जैसे आपने देखा कि अभी बता रहा हूँ, ओके, कंटेनिंग ग्रुप्स ऑफ विटामिन बी, B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12, इन सब के बारे में हम लोगों ने क्या क्या है डिस्कस किया हुआ, और इनको एक नाम देना होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इन सबको मिक्स करके क्या बोला जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, द बी विटामिन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल मेटाबॉलिज्म, और ये सेल मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में क्या होता है, किसका अच्छा रोल माना जाता है, विटामिन बी की। ओके अब आइए, कुछ ऐसे विटामिन हैं जिसकी सोर्सेज क्या हैं, अभी तो आपने देखा लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। विटामिन ए रिच सोर्सेज, जैसे मान लो कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, इनमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। ओके अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। विटामिन सी सोर्सेज, जितने आपके साइट्रस फ्रूट्स होंगे, जैसे मान लो कि लेमन हो गया, ओके, ऑरेंजेज हो गया, टोमेटो हो गया, इन सब में क्या पाया जाएगा, विटामिन सी पाया जाएगा। उसके बाद विटामिन डी के लिए सबसे बेस्ट माना गया वो क्या है, सनलाइट माने गए। सनलाइट से हमें कौन सी विटामिन मिलती है, तो विटामिन डी मिलती है। ओके इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ओके अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए, विटामिन के बाद आज की जो हमारी टॉपिक है वो हमारा है मिनरल्स। ओके अब आइए देखते हैं कि इसका क्या रोल है, इसकी क्या यूजेज हैं। ओके तो मिनरल्स आर यूज्ड बाय बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक बिल्डिंग स्ट्रांग बोन्स, हम लोग की क्या बोला जाता है, बोन्स को स्ट्रांग करना होता है, मेंटेनिंग द हार्ट बीट, जो हम लोग की हार्ट बीट होती है, हार्ट का हार्ट पंपिंग होता है। ओके मीन्स आपकी जो ब्लड होती है वो लंग्स को ट्रांसफॉर्म होता है, लंग्स से फिर क्या होता है आपके हार्ट में आता है, मतलब ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। ओके मेकिंग हार्मोन्स, हार्मोन्स को डेवलप करने में, इन सब में किसका रोल होता है, मिनरल्स का होता है। ओके द मेजर 5 मिनरल्स आर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इन सारे मिनरल्स का हमारी बॉडी में भी होना क्या है, बहुत ही कंपलसरी है, जैसे कि विटामिंस का होना था। ओके अब आइए, एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स रिच फूड इंक्लूडेड लीफी वेजिटेबल, ओके, फिश, बीन्स एटसेट्रा। ओके अब आइए, इनको हम लोग वन बाई वन करके डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके तो जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों, मिनरल टाइप, सोर्सेज, फंक्शन, ओके, डिफिशियंसी, डिजीज, इससे कौन सी बीमारी हो सकती है। तो पहला हम लोग का जो मिनरल्स है वो हमारा है कैल्शियम। ओके अब कैल्शियम का क्या क्या सोर्सेज हैं, इसकी फंक्शन क्या है, और इसकी डिफिशियंसी, इससे होने वाले क्या कौन से डिजीज हैं, ये बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके आइए देखते हैं। तो जितने आपके टॉफ़ी, डायरी प्रोडक्ट्स, सालमन, कैबेज, केल एंड ब्रोकली, इन सभी चीज़ों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। ओके इसके बाद ये कैल्शियम करता क्या, इसकी फंक्शन क्या है, तो इसेंशियल फॉर एफिशिएंट फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम को क्या करता है, एफिशिएंट बनाता है, बहुत इसके फंक्शन को स्ट्रांग रखता है, एंड हेल्दी बोन्स, और हमारे बोन्स को भी क्या करेगा, स्ट्रांग रखेगा। ओके इसके बाद इसकी यदि कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो हम लोग का जो बोन्स होगा वो वीक हो जाएगा, वीक बोन्स, लोअर देन नॉर्मल बोन्स डेंसिटी एंड स्टूडेंट ग्रोथ, और हम लोग की ग्रोथ क्या होगी, बहुत अच्छे क्वांटिटी में नहीं होगी। ओके तो बच्चों आपने देखा कि कैल्शियम का हमारे बॉडी में क्या रोल है। ओके तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आप भी क्या करिए, यूज किया करिए। ओके अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए, जो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है फॉस्फोरस। ओके नेक्स्ट जो मिनरल्स है फॉस्फोरस। ओके अब ये फॉस्फोरस किस किस सोर्स से हमें मिलेंगे, तो लीन मीट्स, ग्रेन एंड मिल्क, इन सबसे क्या मिलेगा हमें, फास्फोरस। फास्फोरस हमारे बॉडी में क्या रोल करता है, तो इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस इन बॉडी, ये हमारे बॉडी में एसिड एंड बेस की बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर जैसे मान लो कि हमारी बॉडी में एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम है, बेस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करता है, मेंटेन करता है। इसलिए हमारी बॉडी में फास्फोरस का भी होना क्या है, ज़रूरी है, जो इन सारे सोर्सेज से प्राप्त होगा। उसके बाद यदि मान लीजिए कि फास्फोरस की कमी हमारे बॉडी में हो गया तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो देखो लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट की क्या हो जाएगी हमारे बॉडी में,
कमी आ जाएगी, जिससे हम लोग का जो बोन होगा वो फ्रैगिलिटी हो जाएगा, बहुत ही वीक हो जाएगा, मसल्स वीकनेस हो जाएगी, हमारे लोग की मसल्स वीक पड़ जाएगी, पुअर फिजिक, और हम लोग का जो फिजिकल जो पावर होगा वो भी क्या होने लगेगा, धीरे धीरे वीक होने लगेगा। ओके, तो अब आइए हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है आयोडीन। अब देखिए हम देखते हैं आयोडीन। ओके, आयोडीन जो मिलता है हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितने ग्रीन लीफी वेजिटेबल होता है उसमें आयोडीन होता है। ओके, सी फूड समझ ही रहे हो, आयोडाइज्ड हल, जो हम साल्ट यूज़ करते हैं वो आयोडाइज्ड साल्ट होता है। ओके, उसमें भी आयोडीन मिलता है। अब आयोडीन हमारी बॉडी को क्या करता है, तो फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ये हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन की क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, बनाता है, जिससे एक बीमारी होती है ग्वाइटर, ये मैक्सिमम देखा गया है कि औरतों को ही होता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, मेंटल डिसेबिलिटी। तो थायराइड ग्लैंड जब इम्प्रूव हो जाता है, एक बीमारी होती है ग्वाइटर। ओके, इसके बाद उस इंसान की मेंटल डिसेबिलिटी हो जाता है, वो पागल सा हो जाता है। ओके, अब आइए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मिनरल्स है वो हमारा सोडियम है। ओके, अब सोडियम देखिए, टेबल साल्ट, चलिए टेबल साल्ट वही जो आप यूज करते हो उसी को बोला जाता है टेबल साल्ट। ओके, हेल्प कीप कंट्रोल ऑन ब्लड प्रेशर, और ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में क्या करता है, काम करता है। बीपी हाई लो होती है तो उसमें सोडियम का भी क्या होता है, रोल होता है। ओके, इससे जो बीमारी होती है वो नयूसिया इरेटेबिलिटी हो जाती है हमारे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है आयरन। अब देखिए आयरन से क्या होगा, होल ग्रेन्स, एग्स, लीफी वेजिटेबल एंड मीट्स, इन सब में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ओके, एग में भी आपका आयरन पाया जाता है। ओके, इसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इन आरबीसी, और इसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन है। हीमोग्लोबिन समझ रहे हो ना बच्चों, कि जो हम लोगों का ब्लड होता है, ब्लड की फॉर्मेशन आयरन के थ्रू होती है। ओके, जिससे हमारी आरबीसी क्या होता है, आरबीसी का भी फॉर्मेशन होता है। इससे अगर ये आयरन की कमी हमारे बॉडी में हो जाएगा तो उससे जो बीमारी होगी वो होगी एनेमिया। ओके, और एनेमिया जब होगा तो वीकनेस होने लगेगा, आपको फैटिगू फील होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और सांस लेने में आपको क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। ओके, अब आइए एक सेकेंड, तो आज के लेक्चर बच्चों यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। ओके, जो बचा हुआ आपकी टॉपिक्स हैं मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने वाला हूँ। ओके, यदि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया हो, यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। ओके, और लेक्चर को लाइक कर लिया करें। ओके, अब आइए इन बातों के साथ मैं आपको यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ओके, बाय, थैंक यू।